दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं। इस वीडियो को देखने से पहले ही हम आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च और स्टडी है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे पहले हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट या लॉस दोनों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। चलो आज मैं TRX खरीदता हूँ। ये हो गया बाय, अब तो TRX ऊपर जाएगा। अरे नीचे गया, अरे और नीचे गया। अरे रुको भाई, मेरा स्टॉप लॉस। बच गया। एक काम करता हूँ, TRX ने तो धोखा दिया, दूसरा कॉइन ट्राई करता हूँ। दूसरा कौन सा ले, कौन सा ले? क्या हो रहा है ये सब? अरे फिर से स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अरे बाप रे, नीचे जा रहा है यार मार्केट तो। साला 20% का लॉस हो गया। क्या करें? इसका फोन आ रहा है। हाँ बोल, क्या पांचवी ऐसी बात कर रहा है? बिटकॉइन 60,000 जाएगा, 60,000 जाएगा यार। बिटकॉइन 6,000 पे अटका हुआ है, दिखता नहीं बिटकॉइन कितना नीचे जा रहा है। दो कॉइन में पैसा लगाया, वो भी डूब गया। रख फोन तो यहाँ पर, मेरे को नहीं सुनना बिटकॉइन 60,000 जाएगा, 5,000 से ऊपर जाता नहीं है। कौन बोला भाई? अरे भाई मेरा दिमाग तो मेरे पास है, आप कौन? सामने तो आओ। हाँ तेरा दिमाग मेरे पास है। अरे मेरा दिमाग मेरे पास है भाई, कैसे ही देखो। ए तेरे से दिखता मेरे जैसे तू शक कर रहा है मेरे दोस्त की बातों पे? मेरे साथ यार नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? पहला एटीएफ कौन है? नहीं भाई मैंने नहीं सुना एटीएफ क्या है। आप लोगों ने सुना है एटीएफ? नहीं भाई किसी ने नहीं सुना। कौन है एटीएफ? बताता हूँ रुक जाओ, बताता हूँ एटीएफ कौन है। अरे ये क्या बारे में बताओ तो सही, कहाँ जा रहे हो? अरे घोचू कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे, वहाँ समझाता हूँ एटीएफ कौन है। यहीं पे कैसे बताऊंगा सारी चीज? ओ कंप्यूटर स्क्रीन पे बताओगे? हाँ चलो चलो वहाँ पे समझते हैं एटीएफ कौन है। तो बिटकॉइन जाएगा 60,000? तो चलता है कि तेरे को उठा के लेगा। हाँ चलो चलिए एटीएफ समझ लेते हैं। चलो एटीएफ समझते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रांश, आप सभी का स्वागत करता हूँ पिक्सल स्नैप शॉट के बिल्कुल फ्रेश एपिसोड में। तो दोस्तों, आपने स्टडी में क्लिप तो देख ही लिया होगी जो मैंने इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई है, दिल पे ना लेना उस चीज़ को। लेकिन उस चीज़ के अंदर जो चीज़ मैंने बताई है बिटकॉइन में, आज आपको उससे ज़्यादा खुशी मिलने वाली। आपने थंबनेल जरूर देख लिया होगा आज मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, और ये थंबनेल कोई भी क्लिकबेट थंबनेल नहीं है। पर दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी के साथ मैं कुछ चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि आज हमारे इस पिक्सल स्नैपशॉट फैमिली के अंदर 100 सब्सक्राइबर यहाँ पे जुड़ चुके हैं, उन सभी को मैं तहे दिल से यहाँ पे वेलकम करता हूँ। और अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करें और हमें हमारे 1000 सब्सक्राइबर के गोल तक रीच करने की हेल्प करें। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत ज़्यादा वेलकम है। साथ ही साथ दोस्तों, मैं क्रिप्टो इंडिया को और कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। वो इस चैनल को बहुत ज़्यादा हेल्प करी है उन लोगों ने ग्रो अप करने के लिए, और बहुत जल्दी हम लोगों ने यहाँ पर 100 सब्सक्राइबर अचीव कर लिए हैं। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बड़ा वाला थैंक यू। तो दोस्तों, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोटिस कह सकते हैं, मैं एक इंपॉर्टेंट बात है कि मैं 2 हफ्ते के लिए थोड़ा सा बाहर जाने वाला हूँ, तो आप लोगों को वीडियोज़ यहाँ पर रेगुलर नहीं मिल पाएंगे। और जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं मैं उन्हीं को यहाँ पे डालूंगा, सारी छोटी चीज़ को अपडेट नहीं कर पाऊंगा, उसको मैं अपडेट करूंगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझे पता है 20 तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है हम सभी लोगों के लिए, वहाँ पर शायद सुनवाई होने वाली है 18-20 तारीख के आसपास। तो जिस दिन भी वो न्यूज़ मेरे पास आती है उस दिन मैं कोशिश करूँगा पूरी तरह से लाइव आने की और आप सभी लोगों को सारी चीज़ों से अपडेट करने की। तो बस हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताता हूँ ETF के बारे में क्या चीज़ें आई हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा चैनल, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग चलते हैं ETF के बारे में और जानते हैं ETF क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ETF होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक वैसा फंड है जो कि पड़ा होता है सिक्योरिटी टाइप में, जिसके अंदर आप देख सकते हैं स्टॉक, बॉन्ड, ऑयल फ्यूचर, गोल्ड, फॉरन करेंसी, म्यूचुअल फंड एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ये जो फंड होता है दोस्तों, ये होता है एक्सचेंज के पास, और ये कुछ
ऐसा एडिशन फंड होता है जिसकी वैल्यू यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर होती है। यहाँ पर क्या हुआ है, CBO जो है आप देख सकते हैं आज की तारीख 16 जुलाई 2018, यहाँ पर CBOE के पास, CBOE ने यहाँ पर एक एप्लीकेशन फाइल करी है SEC मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन। जैसे हमारे इंडिया के अंदर SEBI है जो कि सारी चीज़ों को मैनेज करता है, वैसे USA के अंदर SEC है। तो उनके पास यहाँ पे एक फाइल करी एप्लीकेशन, की एप्लीकेशन पहले भी फाइल करी गई थी लेकिन उस टाइम पे दोस्तों बिटकॉइन को इतना कोई जानता नहीं था, बिटकॉइन की इतनी ज़्यादा हाइप नहीं थी और मास्क जो एडॉप्शन था वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उस टाइम उन्होंने यहाँ पर मना कर दिया था। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगस्त 10 ये तारीख नोट कर लीजिए, उस दिन ये इवेंट यहाँ पे होने वाला है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस बार ETF आ सकता है। तो दोस्तों अगर अगस्त 10 को ETF यहाँ पे मंजूर हो जाता है SEC के थ्रू जो कि CBOE ने यहाँ पे अप्लाई करा है, तो ये मान के चले दोस्तों कि हमारे जो बिटकॉइन है उसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का यहाँ पे पैसा आने वाला है और बिटकॉइन का जो प्राइस होगा वो यहाँ पे स्पाइकअप होने वाला है। साथ ही दोस्तों इसके साथ एक बहुत अच्छी न्यूज़ और आई है आज की तारीख में, यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 जुलाई। तो दोस्तों यहाँ पर दो कंपनीज हैं, वैनकेयर का सॉलिडेक्स, और उन्होंने दोनों ने यहाँ पे आज यहाँ पे 16 तारीख को SEC के सामने प्रपोज करने वाले हैं फिजिकल बैक्ड बोन के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर ETF को, जिसके कारण दोस्तों मार्केट में ये चीज़ हो सकती है कि जो एक बिटकॉइन का प्राइस है, इन्होंने यहाँ पे कहा है पर शेयर, ये चीज़ अभी यहाँ पे इतना क्लियर नहीं है लेकिन हो सकता है कि एक बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे पहुँच जाएगा $2 लाख। $2 लाख को अगर मैं आपको इंडियन करेंसी पर कन्वर्ट करके बताऊँ तो वो होता है 1,37,00,000 के आसपास। आप समझ सकते हैं कि बिटकॉइन अब कितना ज़्यादा यहाँ पे होने वाला है। साथ ही दोस्तों इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली है कि हम लोग ये चीज़ बिलीव करते हैं कि बिटकॉइन एक एमर्जिंग और लेजिमेटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसको हम लोग ट्रीट करते हैं एज ए डिजिटल गोल्ड। और जो लोग ये कहते हैं कि बिटकॉइन कुछ नहीं है बस एक बबल है, उनको यहाँ पे एक बहुत तगड़ा जवाब मिल गया होगा। तो दोस्तों ये दो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ थी आप सभी लोगों के लिए, और यहाँ पे हालांकि मैं ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें नहीं बताई हैं क्योंकि उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और मेरे पास अभी थोड़ी सी टाइम की कमी चल रही है, लेकिन आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्योंकि ETF का अगर मार्केट यहाँ पे आता है, और ETF के साथ साथ दोस्तों ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है यहाँ पे $2,000 से $2 लाख की, इसके अंदर दोस्तों जो टारगेट करा जा रहा है वो करा जा रहा है वॉल स्ट्रीट इंस्टीट्यूशंस को। तो आप ये समझ सकते हो कि जब ETF का फंड और वॉल स्ट्रीट का फंड पूरा पूरा बिटकॉइन मार्केट में आने लगेगा, तो अभी जो हमारी मार्केट की जो बिलियन कैप है वो जो है वो $250 बिलियन के आसपास है, लेकिन जब ये पूरा फंड आ जाएगा तो ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में पहुंच जाएगी, जिससे कि बिटकॉइन का प्राइस एकदम से शूट अप करेगा। तो अगर आप अभी कोई कॉइन बाय करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा मौका है जिसके ऊपर आप कॉइन्स को बाय कर सकते हैं, और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मतलब 6 महीने 8 महीने के हिसाब से आप सोच सकते हैं। बाकी दोस्तों अगस्त 10 एक तारीख है जहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, और ये न्यूज़ के ऊपर भी मैं यहाँ पे अपनी नज़र रखूंगा और आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, और मैंने शॉर्ट में सारी चीज़ें यहाँ पे समझाने की कोशिश करी, आप सभी को समझ आ गए होंगी। फिर भी कोई सारी चीज़ समझ नहीं आई हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे साथ वहाँ पे चैट भी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आगे पसंद तो कर दीजिएगा लाइक, नहीं है तो कर दीजिएगा डिसलाइक। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारी फैमिली को इसी तरह बढ़ाएं और सपोर्ट करें ताकि हम सभी लोगों तक क्रिप्टो की अवेयरनेस को यहाँ पे पहुँचा सकें और उनको भी एक अच्छा नॉलेज यहाँ पे दे सकें। तो आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस आप हमको स्ट्रीमिट के ऊपर भी फॉलो यहाँ पे कर सकते हैं, सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आपका अभी तक कोई भी अकाउंट नहीं है तो आप बाइनेंस पे वज़ीर एक्सप्रेस ऐप पे हमारे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अकाउंट अपना बना सकते हैं, ताकि आप सेफली अपना अकाउंट बना सकें और कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट आप वहाँ पर भी और हम भी यहाँ पर ले सकें। तो बस दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।